नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो है 8 to 8 में पीएलसी डाटा आप कैसे मशीन में डालने के। जैसे फ्रेंड्स देखो, मैंने अभी यूएसबी लगा दी है, मीनू दबाया, सेटअप दबाया, सेटअप के बाद ऑप्टिमाइज टेस्ट, ये आपको यहाँ पे एरो जो दिख रहा है वो दबाना है। इसमें बाद आपके आएगा सेटअप, अब सेटअप आर्काइव आया, उसके बाद दो चीजें आई, देखिए फ्रेंड्स, सेटअप आर्काइव क्रिएट और रीसेट। तो आपको रीड वाला दबाना है। रीड वाले में यूएसबी आया था, यूएसबी दबाने के बाद आपको इनपुट दबानी है। और इनपुट जैसे देखो फ्रेंड, मेरे पास ये पीएलसी डाटा है यश नाम का, मैं इसको ओके करता हूँ। और जैसे ये ओके होता है तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि डाटा जो पीएलसी में मैंने 8 to 8 सिस्टम के लिए डाटा अभी मैंने डाल रहा हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स अभी मशीन में डाटा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक वीडियो जो है बहुत ही अच्छी है बिगिनर्स के लिए। इसमें आपको पता लगेगा कि आप 8 to 8 सिस्टम, 8 to 8 सीमेंस सिस्टम में कैसे यूएसबी से डाटा डालेंगे। सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। मीनू दबाने के बाद सेटअप में जाके ये डैश एरो दबाएंगे, एरो के बाद आपके पास सेटअप आ जाएगा और रीड आर्काइव में आपको दबाना है। उसके बाद यूएसबी ऑप्शन आएगा, यूएसबी को आप जैसे इनपुट दबाओगे आपने जो डाटा जिस नाम से सेव किया वो आ जाएगा। और उसके बाद आपको ओके करके जाना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ऐसे डाटा जाता जाएगा। तो फ्रेंड्स आप जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपको ये जरूर बताना कैसी लगती है, क्योंकि मेरा ये मकसद है कि ये वीडियो जो है, जो मैंने शुरू शुरू में जो प्रॉब्लम झेली थी या किसी से पूछ कर, तो इन वीडियो के जरिए मैं ये सोचता हूँ कि सब लोगों तक थोड़ा थोड़ा जो मेरे पर नॉलेज है वो पहुँचे। देखिए फ्रेंड्स अभी ये डाटा चला गया, अभी ओके कर देना है और कैंसिल कर देना है। अब देखो नीचे भी आप देख रहे हैं पीएलसी रेडी हो गई है। तो धन्यवाद, कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर।